सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपके पास में है वीवो V30 5G फ़ोन, दोस्तों इस फ़ोन में आप अगर ऐप हाइड करना चाहते हैं दोस्तों, किसी भी ऐप को छुपाना चाहते हैं दोस्तों, कैसे छुपाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ ऐप हाइड के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग पे सिंपली इस तरह से क्लिक कर देना है। सेटिंग ओपन हो जाने के बाद में दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है प्राइवेसी, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दोस्तों यहाँ नीचे देखेंगे लिखा हुआ ऐप हाइडिंग, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ इंटर योर प्राइवेसी पासवर्ड, दोस्तों आपको अपना एक प्राइवेसी पासवर्ड बना लेना है जो भी बनाना चाहते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों वो आपको रीएंटर पासवर्ड दोबारा से यहाँ पे इस तरह से डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप अपना नाम या हाय हेलो लिख देना है इस तरह से। इसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे भी आपको अपना नाम या हाय हेलो कुछ भी लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ डन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ व्यू हिडन ऐप, दोस्तों इस टिक को आपको इस तरह से जरूर इनेबल कर देना है। इससे दोस्तों होगा क्या कि आपके फ़ोन में जो ऐप हाइड होंगे उनको आप चला सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके फ़ोन में जितने भी ऐप हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। आपको अपना अगर एल्बम हाइड करना है दोस्तों, इस पर इस तरह से क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारे फ़ोन में कहीं पर भी आपको एल्बम ऐप नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसको चलाएंगे कैसे, इसके लिए दोस्तों आपको दो उंगली लेनी है और ऊपर की तरह से इस तरह से स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों आपको अपना वही प्राइवेसी पासवर्ड आपको इस तरह से डाल देना है। डाल देने के बाद में दोस्तों आपका वही एल्बम ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप अपने फ़ोन में इस तरह से ऐप हाइड कर सकते हैं।